गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम ट्रेड करना है एक्सरसाइज 1E। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहां से सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है 4/9 डिवाइड बाई लिखा कहिए -5/12। ये क्वेश्चन दिया डिवाइड के लिए, ये सिंपली जो क्वेश्चन हुआ जो आपने मल्टीप्लाई करने के लिए करा हुआ ना, सेम कुछ ऐसे ही दिया हुआ, बट एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा हो जाता है। और फिर देखना आपसे 4/9 डिवाइड बाई -5/12, ठीक है। करना बस क्या होता है 4/9, अब देखो क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है इसका उल्टा साइन ले लेते हैं। उल्टा साइन का मतलब मल्टीप्लाई को ये डिवाइड का साइन दिया, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जो लिखा आपका -5/12 इसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दोगे, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई और इस नंबर को हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि 12/-5। अब देखो सिंपली जो क्वेश्चन आपको क्या बन गया, आपको मल्टीप्लाई कर, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, बट उसके बजाय आपको कुछ कॉमन दिखा कर सकता है, 3/4 जा और ये 3/3 जा, आपके पास कितना बचा है, आप लोग ये बस ये आपका 4 और यहाँ पे 4, 4/4 जा कितना हो गया आपका 16, और नीचे क्या मिल गया आपको -15, इसको नीचे नहीं लिखा जाता है, ऐसे और जितने भी क्वेश्चन दिए हो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इसे क्वेश्चन लिखा है थर्ड क्वेश्चन लिखा है -12/7 डिवाइड -18 लिखा हुआ है, तो क्या करो सॉल्व करने के लिए, -12/7 डिवाइड ये -18, यहां समझ जाएगा -12/7 मल्टीप्लाई को डिवाइड, ये तो 18 को चाहे तो लिख सकते, क्या 18/1। अब इसका रिवर्स ले लेंगे, क्या मिलेगा आपको, ये 1/-18, देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 6 के टेबल से 6/2 जा और ये 6/3 जा, इक्वल मतलब कितना हो गया 2, और ये 1/2 जा 2, और 7/3 जा 12, बस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको ट्रू और फॉल्स करने के लिए, जो ये लिखा हुआ है क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। लिखा फर्स्ट क्वेश्चन कि 13/5 डिवाइड बाय 26/10, कैसे इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 26/10 डिवाइड बाई 13/5, क्या ये सब लिखा हुआ पॉसिबल है। इसने क्या किया, एक ऑर्डर कॉमोटेटिव लगा दिया, लेकिन ऑर्डर को क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो ये 13/5 डिवाइड बाई क्या 26/10, क्या हो जाता है 10, देखिए क्या हो जाता है 13/5 मल्टीप्लाई बाई 10/26, देखो तो 5/2 = 10 और 13/13 और 13/2 = 10, ठीक है। ये कट रिकॉर्ड मिला कितना आ गया भाई, ये वन हो गया, ठीक है। फिर ऐसे क्या करते हैं, वहाँ से राइट हैंड साइड में चेक कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपको 26/10 डिवाइड बाई क्या लिखा आपका 13/5 चेक मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या होगा ये 5/13, देखो तो 5/2 = 10 हो गया, और 13/2 भी क्या हो गया 26, और 2 से 2 कट गया, कुल मिला क्या मिल गया आपको ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी ऊपर 1 बन जाएगा नीचे 1 बन जाएगा, कुल मिला के ये 1 आ गया। यानी देखो ये ऑर्डर चेंज करके उसने लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया और राइट हैंड साइड में क्या हो गया आपका ये 1 आ गया, तो नीचे क्या लिखोगे सर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो उसने बोला था वो क्या है, वो ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। पहले ही नहीं दो क्या, सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे, क्वेश्चन सेकंड का जितने दिए सब आप ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें 3 दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं,
पहले टू की डिवाइड करना, फिर बाद में क्या करना हो जो बचा हुआ उसका डिवाइड कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड बाय 5/2 इक्वल टू 5/9 डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड बाय 5/2। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या ट्रू है या फॉल्स है तो वेरीफाई सबसे पहले करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा यहाँ से। तो लिखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, ये दिया ना, क्या लिखा भाई 5/9 डिवाइड बाय 1/3 ब्रैकेट ये 5/2 सॉल्व करिए, इसको पहले सॉल्व करो, मैंने क्या लिखा इसको 5/9 मल्टीप्लाई विथ 1/3 ये जैसे जैसे उसको ऐसे लगने लगे ये 5/2 ये तो कुछ कटने वाला है नहीं, 5/2 कितना हो गया 27 ये हो गया अपना डिवाइड बाई 5/2 सॉल्व करें क्या मिलेगा भाई 5/27 मल्टीप्लाई बाई 2/5 ठीक है, ये 5 से 5 कट गया कुल मिला के आपका आंसर आ गया 5/27। स्पेशली तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड क्या दिया आपका ये 5/9 डिवाइड बाई 1/3 डिवाइड बाई 5/2 ये हो गया भाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 ठीक है, ये करिए तो क्या मिल जाएगा भाई 5/9 डिवाइड बाई क्या होगा भाई 2/15 ठीक है। अभी क्या हो जाएगा भाई 5/9 मल्टीप्लाई बाई 15/2 ठीक है, कुछ कटने वाला है हाँ कट जाएगा 3 3 9 और 3 5 इक्वल का ये मिल गया आपको ये 25 और बाय में क्या होगा 6। देखिए तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो क्या ट्रू दिया हुआ है, तो ये देखिए ये अलग दिया है और ये अलग दिया है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है तो आप लिख सकते हो क्या कि लेफ्ट हैंड यहाँ लिखना नीचे जगह होगा तो लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड और जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। क्वेश्चन 4 लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ठीक है, बस कर दिया उसने दो नंबर दिया हुआ है मुझे नहीं पता है कि दो नंबर क्या है बट इनका दिया प्रोडक्ट कर कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया आपका -9 यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा -9 इसमें से एक नंबर मुझे दिया है कोई भी मान सकते हो तो सेकेंड नंबर पूछना कि ये कितना होगा ये लिखा है ना कि प्रोडक्ट का टू नंबर इज -9 उसमें से एक नंबर आपके पास दिया है सेकेंड को पूछना है ठीक है तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो मान लेते हैं ना कि जो अदर नंबर है
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर किसी को लगा माइनस नाइन को, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपका क्या है माइनस ट्वेल्व इंटू में क्या बोल रहे हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस नाइन। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया माइनस नाइन मल्टीप्लाई दिया है, ये बस सोचिए माइनस दिया एक्स के साथ ये ट्वेल्व का जो दिया है ना नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा माइनस ट्वेल्व यानी एक्स इक्वल टू कितना माइनस से माइनस कर जाएगा और थ्री से थ्री थ्री जा नाइन और थ्री फोर जा यानी कि थ्री बाई फोर यानी कि जो अदर नंबर था ठीक है वो कितना हो जाएगा भाई थ्री बाई फोर। क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स सेम टाइप दिया है। क्वेश्चन नंबर एट
अब देखिए एक्सरसाइज हो रही, क्वेश्चन नंबर 11 आपको फिलअप दिया हुआ है, ठीक है, फिलअप आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। और कैसे करोगे चलो देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप इसको ऐसे फिलअप करोगे सॉल्व करके, जैसे कि 9/8 डिवाइड बाय, ये मुझे नहीं पता है इक्वल टू क्या दिया पहले -3/2, तो हम यहाँ क्या मानते हैं कुछ टाइम पे सब एक्स मान लिया हमने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब 9/8 मल्टीप्लाई है ना, चाहे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये आप उसको चाहे एक्स वाई मान सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी वो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -3/2, मुझे ध्यान में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू एक्स की, देखो ये एक्स नीचे दिया ना तो ये चाहे तो ऊपर जा सकता है इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 9/8 इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स, ठीक है, बट मुझे तो सिर्फ सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये एक्स्ट्रा आ गया ना, देखो ये नीचे दिया ना तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, एक्स के ये नीचे दिया है मल्टीप्लाई है ये डिवाइड के फॉर्म में दिया है तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला, हम यहाँ से देख सकते एक्स इक्वल टू 9/8 और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -2 और नीचे आएगा तो ये -3, ठीक है, सॉल्व कर दो 2 1 2 और 2 2 4 3 1 3 और ये 3 3 9 फिर प्लस हो गया चाहिए ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया -4 यानी कुल मिला के -3/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -3/4, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखिए ऐसे एक्सरसाइज 1 है, ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना आपसे क्या कहेगा कि दो नंबर, कोई दो रेशनल नंबर दिए हैं उनके बीच में पूछेगा कि मुझे 2 3 जो भी है पांच रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाएंगे। देखो तो अगर आपके पास कोई ने दो रेशनल नंबर दिए हैं जैसे एक्स है और एक क्या आपका वाई, क्या दिया हुआ है दो ही रेशनल नंबर दिए, तो अगर आप इसके और इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे तो इनफाइनाइट होंगे, बहुत से होते हैं, ठीक है, बट आपको अगर कहें एक फाइंड करके दिखाइए इसके और इसके बीच में एक रेशनल नंबर कोई फाइंड करके दिखाइए जो इसके बीच में आएगा ना वो ये आएगा, ठीक है, हम फॉर्मूला लिखते हैं देखो कैसे होगा, मा इफ एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर्स इफ एक्स एंड वाई टू रेशनल नंबर्स, ये दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो होता क्या है वो, ठीक है, तब इनके बीच में जो आपका रेशनल नंबर आएगा एक्स के और वाई के बीच में जो रेशनल नंबर आता है वो क्या आता है, देन एक्स प्लस वाई बाय 2 या फिर ऐसे 1/2 एक्स प्लस वाई जो क्या होगा वो इसके और इसके बीच का क्या होगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो नंबर दिया है ना वो किसके बीच में आएगा, वो एक्स और वाई के बीच में, पर मतलब कहने का मतलब है कह दिया कि 1/2 और ये 5/3 के बीच का कोई रेशनल नंबर मुझे बताइए क्या होगा, तो इसके बीच में जो आएगा ना ये एक्स है और ये क्या होगा ये वाई है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस
ये 1/2 और 5/3 के बीच में क्या होंगे, वो बहुत से रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो उसमें से कुछ अगर एक फाइंड करना होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक फाइंड करना होगा, तो क्या करना, इन दोनों को प्लस करके उसका आधा कर दो। तो क्या किया, प्लस कर दिया क्या, और देखो नीचे 2 का डिवाइड कर दिया। ये सिर्फ एक के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए एक्सरसाइज 1F का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो सिर्फ आपसे एक ही रेशनल नंबर पूछा है, ठीक है। अगर जब आपसे एक पूछे ना, क्या करें, फिर एक पूछे तो हम जो सिंपली मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी का बस यूज कर लेंगे। देखो कैसे, रेशनल नंबर बिटवीन क्या दिया है, 1/4 एंड 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से ये 1/2 और यहां से 1/4 प्लस 1/3। सॉल्व कर दीजिए, ये 3 + 4/12 यानी कि कितना हो गया, 1/2 इंटू ये हो गया भाई, यानी कि हो गया भाई 7/24। तो जो आपका यहां से 7/24 दिया हुआ है, ये 7/24 ये जो नंबर होगा ना, वो 1/4 और 1/3 के बीच का एक कोई नंबर होगा। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला ना कि 3 और 5 के बीच में ना, सॉरी 3 और 9 के बीच में आप रेशनल नंबर बताओ, तो देखो बहुत सारे नंबर आएंगे। कौन कौन आ सकता है आपका, ये 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 और ये 8 आ सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट होंगे इसके बीच के नंबर, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं फाइंड करना है, तो अगर ऐसे नहीं फाइंड करना, तो आप क्या करना, इसको प्लस करके आधा करो। देखो प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 और 3 कितना, 12, और 12 का आधा हाफ 6 होता है। देखो 6 जो है ना, वो 3 और 9 के बीच में का है कि नहीं, है ना। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इसके बीच में गैपिंग दिख रही है, बट मैं बोलूँ ना 1 और 2 के बीच का दिखाओ, तो मेरा रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, फिर से के फॉर्मेट ईयर में होता है। देखो अगर एग्जैक्टली आपको 1 और 2 के बीच में नहीं दिख रहा, क्योंकि सर 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता, बट रेशनल नंबर तो आते हैं ना, क्यों जो मेरा, देखो ये 1/2 मेरा रेशनल नंबर है। देखो 1/2 का मतलब क्या, आधा होता है, आधा जो क्या इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में आपका सब ये 1/2 हो सकता है, 1/3 यानी बहुत से नंबर होंगे, इनफाइनाइट 1/10 ऐसे करते बहुत से हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ जब आप एक पूछेगा ना, एक तो आप सिंपली क्या करना, वो ऐसे प्लस करके वो आधा कर देना, आपको एक फाइंड हो जाएगा। बट आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा, ठीक है, तो भाई एक के लिए निकालें, फिर दूसरे के लिए निकालने के लिए क्या करोगे आप, जब इसके बीच का आपने फाइंड कर दिया, जैसे कि 1/4 और ये 1/3 का, तो क्या आ गया आपका, ये 7/24 आ गया। इसके इसके बीच का आ गया ना, और फिर से इसी रूल से फाइंड करना है, इसी रूल से करो, तो फिर से क्या करो, इसको इसको प्लस करके और आधा कर दो, तो कुल मिला के वो आपका नंबर शायद यही का होगा, आधा होगा, कुल मिला के वो ये जो नंबर होगा इसके और इसके बीच का ही होगा, ठीक है। या फिर आप इसको और इसको प्लस करके ना हाफ कर दो, तो यहाँ का मिलेगा, कुल मिला के ये जो नंबर इसके और इसके बीच का ही होगा, बाहर का नहीं होगा। तो ये सब करोगे तो प्रॉब्लम, ये क्या तो कहेगा तो कर सकते हैं, ठीक है। बट आपसे 10 या 20 पूछेगा तो देखो क्या करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सेम दिया हुआ, कर सकते हो। 4 भी दिया है, 2 कह रहा ना, तो 2 आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, देख करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 लिखा है ना कि मुझे 4 और 5 के बीच में कोई रेशनल नंबर बताइए। 4 और 5 के बीच में देखो क्या एग्जैक्टली दिख रहा है, फिर 4 को 5 ही आता है, बट 4 और 5 के बीच में जैसे कि 4/5, 4/10 ऐसे बहुत से नंबर होते हैं, उन्हीं में से कोई फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 5 लिखा है, और क्या लिखा है?
फोर लिख रहा हूं, फोर एंड फाइव लिख रहा है, यानी कि फोर एंड फाइव के बीच में क्या लिखा है कि मुझे एक रेशनल बताइए, तो वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा सर कौन सा होगा, तीन कह रहा, सॉरी तीन कह रहा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, जो फाइव लिखा है ना, फोर लिखा है ना, तो चाहे तुम लोग फोर को कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे तो फोर को हम यहाँ पे फाइव को, क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, हम क्या करते हैं फोर फाइव को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सर ये क्यों करें फोर से मल्टीप्लाई, इसको चलिए चाहे तो फोर को फोर बाई वन, इसमें क्या करो अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, जैसे कि मैंने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया आपका, ये 20/5 हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, नंबर 5 दिया है, 5 को चाहे हम इसे देख क्या 5/1, इसमें ना इसमें भी जिसकी मल्टीप्लाई यहाँ देखी हो वहाँ भी यही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, ये कितना होगा करेंगे 25/, देखो कुछ हुआ नहीं है, मैंने देखो क्या किया है, अभी भी आपका नंबर ये ना जो लिखा होगा आपका ये 4 ही लिखा है, देखो 5/4 = 20 दिख रहा है, अभी भी नंबर देखो ये 5 ही लिखा होगा, बट जो 5 था वो ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिखाई देगा, अब सिर्फ ये नंबर देखो 20/5 और वो क्या लिखो 25/5, देखो डिनोमिनेटर का सेम नहीं है, तो अब देखो ना इसको ऐसे ऐड कर दो तो छुपा लो, मतलब अब इसके बीच का नंबर आपको दिख रहा है, जो पहले ये 4 और 5 हुआ करता था, इसके बीच की गैप में कुछ नहीं मुझे दिख रही है, बट यहाँ पे जब आपको गैप नहीं दिख रही है कौन कौन से 21/5, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा 21/5, 22/5, 23/5, कुल मिलाकर इसी के बीच के हैं वो, ये नंबर जो बीच में है वो इसी के बीच में है, और ये जो नंबर लिखा सिर्फ उसे मेरे लिखा हुआ है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, अब इसके बीच बताइए क्या क्या नंबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ठीक है रैशनल नंबर, बिटवीन 4 and 5 हाँ क्या क्या हो जाएगा, यहां से क्या क्या हो जाएगा, क्या लिखे था इसके बीच में सर 21/5, 22/5 और ये 23/5, 24/5 भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आंसर वो मैच ना करे, क्योंकि हो सकता है ना 5 से ना वो 10 की मल्टीप्लाई कर दे, अब किसी की मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट कुल मिलाकर कोई नंबर वो 4 ही रहेगा। क्वेश्चन देखिए 7 उसने दिया हुआ है, -3/4 एंड 5/6, इसके बीच में क्या करना है आपको, आपको 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, कितने रेशनल नंबर लिखने हैं आपके, वो 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो सबसे पहले ना मुझे ये जो नंबर दिया है इसको आपको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे अब इसको छुपा के हम नहीं कह सकते हैं कि सर इसके बीच में, देखो अगर ये इक्वल होता तो क्या क्या आ सकता था, ये 2 आ सकता है, -2 -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1, 2, 3 और ये 4 तक आ सकता है, और नीचे जो नंबर बना होता 5 कर सकते हैं, 5 लिख के बोल देते हैं वो मेरा हो पाता, बट ऐसा इक्वल तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले आप इनको ना इक्वल करोगे, क्या करोगे
इसको एलसीएम लेकर क्या करो, इसको इक्वल करो सबसे पहले। तो एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम आप 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 12। इस सबको सबसे पहले आप 12 बनाओ, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए 3 की, तो क्या लिख सकते हो, ये -3/4 को आप क्या लिख सकते हो, -3/4 मल्टीप्लाई यहाँ 3 यहाँ भी 3, ये कितना होगा -9/12। एंड एक क्या दिया था आपके पास 5/6, इसको क्या लिख सकते हो 5/, और ऐसे क्या लिखा आपने 5/6, इसको क्या लिख सकते हो आप 5/6 किसकी मल्टीप्लाई 2 की, तो कितना हो गया भाई 10/12। इन्हें जो नंबर दिया हुआ था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बीच में देखो तो क्या क्या नंबर मिल सकते हैं, देखिए -9 लिखा है, ये इक्वल नंबर कैसे लिखा है, -9/12 लिखा है, एंड -9 और ये लिखा आपका ये 10। ये तो दिखा आपके पास नंबर ना, अब देखो इसके कितने नंबर, अगर ये नहीं होता तो देखो क्या कर देता है इसके बीच में, और ध्यान रखना इसके बीच में क्या क्या सकता है, देखो -8, -7, -6, -5 बहुत से करते करते यहाँ तक, बट यहाँ सबके लिए क्या होगा 12। हम यहाँ लिख देंगे क्या रैशनल नंबर बिटवीन, अब इसको देख के नहीं बोलोगे, अब इसको देख के बोलोगे, इसको देख के, ठीक है, तो क्या होगा रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 5/6 आर क्या क्या हो सकता है, देखो -3 पहला होगा -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, 1 2 3 4 5 6 प्लस वन लिख चाहता हूँ 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी होंगे किस तरह से आपने -2 को क्यों लिखा, आप लिख सकते हो क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा हो गए, इसके बीच में आपको 18 मिलेंगे, और उस 18 में से कोई आपको 10 ही तो लिखने के लिए कहा गया, तब इस 10 को लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको एग्जांपल 5 की तरह दिया है, आप उसको कर सकते हो। देखो इसमें पूछा 12, कितना पूछा है 12, 12 पूछा है, यानी कि -1 और 2 के बीच में, इसके बीच में से पूछ दो ही दिख रहा है, एक दिख रहा है और एक 0 दिख रहा है, सॉरी एक 0 और एक 1 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, बट इसमें क्या करेंगे ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में क्या करेंगे किसी नंबर से, सिर्फ 1 में थोड़े करेंगे, इसको 1 को लिख देंगे -1/1 और ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखना मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं तो आप चाहो 20 भी मल्टीप्लाई कर सकते, एटलीस्ट आपको 10 मिलने चाहिए।